जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। सबसे पहले अपने परिवार, अपने चैनल पे जो नए हैं वो अपने परिवार का हिस्सा बने, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर फीडबैक दें। अपना टेलीग्राम चैनल बीएल एजुकेशन एंड मोटिवेशन को ज्वाइन करें ताकि वहां पर आपको समय समय पर पीडीएफ, सभी प्रकार की सूचना और क्विज वहां पर आपको प्रोवाइड करवाया जा सके। हम कर रहे थे राष्ट्रपति पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान की एक सीरीज जिसके अंदर हमारा चैप्टर चल रहा था राष्ट्रपति से संबंधित। तो हम कर रहे थे राष्ट्रपति की शक्तियां और हमने राष्ट्रपति की दो शक्तियां के बारे में हमने चर्चा कर ली है। और आज हम राष्ट्रपति की जो बची हुई शक्तियां थी हमारी राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां। तो राष्ट्रपति की कल हमने की थी राष्ट्रपति की विदाई या व्यवस्थापिका से संबंधित शक्तियों के बारे में। आज की हमारी क्लास है राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां और इसके बाद में कुछ पार्ट है राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों से संबंधित। तो दोस्तों यहां से काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और यहां से कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, चाहे इंडिया लेवल का हो, चाहे राजस्थान का हो, अगर पॉलिटिकल साइंस से अगर क्वेश्चन आते हैं तो राष्ट्रपति का चैप्टर है वो काफी इंपोर्टेंट है। और यहां से हमारे को अनुच्छेद, इनकी शक्तियों के बारे में, कौन सी शक्ति है, कौन से अनुच्छेद के तहत मिलती है, ये सभी प्रकार की जो जानकारी, जो सूचनाएं हैं, ये हमारे एग्जाम के अंदर पूछी जाती है और काफी इसका वेटेज रहता है। तो आप मुझे यहाँ से क्लियरली दिख पा रहे होंगे। हम क्लास को शुरू करते हैं। आज की हमारी क्लास 4 हो गई है, बाकी 3 क्लास है हमने कर लिए राष्ट्रपति से संबंधित और आज हमारी चौथी क्लास है जिसके अंदर हम करने जा रहे हैं राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां और राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। तो सबसे पहले राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां, राष्ट्रपति की वित्त या धन से संबंधित क्या क्या शक्तियां होती है इनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करने की अनुमति, यानी कि धन विधेयक जब लोकसभा के अंदर प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति की पूर्वा अनुमति काफी इंपोर्टेंट रोल प्ले करती है। यानी कि राष्ट्रपति की बिना पूर्वा अनुमति के कोई भी धन विधेयक है वो लोकसभा के अंदर प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। दूसरा है आकस्मिक नीति पर राष्ट्रपति का नियंत्रण, यानी कि जो कंटीजेंसी जो हमारी फंड होता है, कंटीजेंसी जो फंड होता है, आकस्मिक जो निधि होती है उसके ऊपर राष्ट्रपति का पूर्णतया नियंत्रण होता है और ये होता है हमारा अनुच्छेद 267 के अंदर। आपको एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए कि आकस्मिक निधि के ऊपर किसका अधिकार होता है, राष्ट्रपति का, और कौन से अनुच्छेद के तहत होता है, तो अनुच्छेद 267 के तहत होता है। इसके बाद में संसद में बजट प्रस्तुत करना, जब संसद के अंदर बजट प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति ली जाती है। उसके बाद में वित्त आयोग की रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत करवाना, यानी कि जो वित्त आयोग है इसकी जो रिपोर्ट है, इसका जो लेखा जोखा है, इसको संसद के अंदर प्रस्तुत करवाने की जो परमिशन है, अनुमति है, वो भी राष्ट्रपति देते हैं। इसके बाद में सीएजी, कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल, कैग, आपने सुना होगा, एग्जाम के अंदर काफी बार पूछा जाता है कि वर्तमान में कैग कौन है, कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल, इनकी जो रिपोर्ट है ये भी संसद में रखवाते हैं राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की अनुमति से ही ये कैग है जो अपनी रिपोर्ट है वो संसद में रखवाते हैं। इसके बाद में अनुदान मांगे, यानी कि किसी भी प्रकार की छूट, किसी भी प्रकार का अनुदान, किसी भी प्रकार का दान वगैरह से संबंधित जितनी भी मांगे हैं, जो सरकार मांग करती है इम्प्लीमेंट करने के लिए, देश के अंदर लागू करने के लिए, तो इनके लिए जितनी भी अनुदान मांगे हैं इनकी अनुमति है वो भी राष्ट्रपति देते हैं और इनकी अनुमति से ही ये संसद में या सदन के अंदर रखवाया जाता है। तो ये थी हमारे पास में राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां। इसके अंदर एक है संचित निधि, मैंने आपको बताया था कंटीजेंसी जो फंड होता है, कंटीजेंसी जो फंड होता है आकस्मिक, सॉरी कंटीजेंसी फंड नहीं बोलेंगे, कंटीजेंसी फंड आकस्मिक निधि होगी, ये हो गया हमारा संचित निधि। जो संचित निधि होती है इसके ऊपर लोकसभा का नियंत्रण होता है। लोकसभा का नियंत्रण क्यों होता है मैं बता दूं, संचित निधि है वो सीधे तौर पर भारत के नागरिकों का सीधा सीधा पैसा होता है और संसद के अंदर जो लोकसभा है ये भारत के जितने भी नागरिक है इनका रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, इनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो इनका पैसा अगर कहीं पे यूज करना है, कहीं पे खर्च करना है तो इनसे परमिशन लेना जरूरी है। यानी कि भारत देश के जो नागरिक है
इन नागरिकों का पैसा अगर कहीं पे खर्च करना है तो नागरिकों से परमिशन लेना पड़ेगा, अनुमति लेनी पड़ेगी, और नागरिक से एक एक नागरिक से तो पूछा नहीं जा सकता। तो नागरिकों के जितने भी भारत के जो नागरिक हैं, इनके रिप्रेजेंटेटिव, इनके जो प्रतिनिधि है, ये लोकसभा के अंदर बैठते हैं, तो लोकसभा से ये परमिशन ली जाती है भारत की जो संचित निधि है इससे पैसा खर्च करने के लिए, और इसके ऊपर पूर्णतया नियंत्रण होता है लोकसभा का। और ये नियंत्रण किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 266। आपको एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए कि संचित निधि के ऊपर लोकसभा का पूर्णतया नियंत्रण कौन से अनुच्छेद के तहत होता है, तो अनुच्छेद 266। अब इसके अंदर धन विधेयक, जो धन विधेयक है वो केवल लोकसभा में रखवाया जाता है, यानी कि वो सिर्फ लोकसभा के अंदर प्रस्तुत किया जाता है। आपको एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए कि धन विधेयक कहां प्रस्तुत करवाया जाता है, कहां प्रस्तुत किया जाता है, तो लोकसभा के अंदर। दूसरा, धन विधेयक, तीन प्रकार के विधेयक होते हैं, धन विधेयक, दूसरा होता है वित्त विधेयक प्रथम और वित्त विधेयक सेकंड। इनकी हम विस्तृत चर्चा जब हम धन विधेयक के बारे में पढ़ेंगे, वित्त विधेयक के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पर मैं विस्तृत चर्चा करूंगा इनकी, और यहाँ से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे बनने के लायक होंगे उनको मैं आप लोगों को यहाँ पर क्लियरली करवाऊंगा। तो धन विधेयक वित्त विधेयक का ही एक भाग होता है। मैंने आपको बताया अभी कि धन विधेयक है, तीन प्रकार के विधेयक होते हैं जो धन से संबंधित होते हैं, वित्त विधेयक, धन विधेयक और वित्त विधेयक फर्स्ट और सेकंड, यानी कि ये तीन विधेयक होते हैं जो धन से संबंधित होते हैं, धन विधेयक होते हैं। प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक भी होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारे एग्जाम के अंदर बार बार पूछा जाता है, क्या एक धन विधेयक वित्त विधेयक हो सकता है? बिल्कुल, कोई भी धन विधेयक हो वो वित्त विधेयक हो सकता है, परंतु कोई भी वित्त विधेयक धन विधेयक हो ये जरूरी नहीं है। आपको यहाँ पर एक एक वर्ड पर ध्यान देना है, प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, लेकिन प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक हो ये जरूरी नहीं है। तो आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है क्या, बिल्कुल होता है, और अगर पूछा जाए कि प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता है। ये आपके यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। ये थी हमारी राष्ट्रपति से संबंधित वित्तीय शक्तियां, जो आपको यहीं से क्वेश्चन आएगा, इसके बाहर यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं है आपके वनडे एग्जाम के अंदर। इसके बाद में राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां, यानी कि राष्ट्रपति की जो जुडिशियल शक्तियां हैं, पावर है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले समाधान का अधिकार, यानी कि राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के अंदर सबसे पहला अधिकार, सबसे पहला पावर है समाधान का, यानी कि किसी भी व्यक्ति को अगर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगर उसको मृत्युदंड या फांसी की सजा अगर दे दी जाती है, तो राष्ट्रपति के पास में ये शक्ति है कि वो उसके जो उसको दंड दिया गया है उस दंड को या तो क्षमा कर दे या उसको कम कर दे, ये पावर राष्ट्रपति के पास में होता है। दूसरा, न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा न्यायिक अधिकारी कौन कौन होते हैं? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, महान्यायवादी, सोलिसिटर जनरल और जनरल, अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल, ये जितने भी जो न्यायिक अधिकारी होते हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए राष्ट्रपति के द्वारा न्यायिक शक्तियों के अंदर किस किस की नियुक्ति की जाती है, तो महान्यायवादी, सोलिसिटर जनरल, जनरल, अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल, इनकी नियुक्तियां हैं जो न्यायिक शक्तियों के संदर्भ में राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब इनकी जो नियुक्ति है वो कौन से अनुच्छेद के तहत करते हैं, तो ये हम महान्यायवादी, सोलिसिटर जनरल वगैरह ये जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम यहाँ पर विस्तृत चर्चा करेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां, तो यहाँ पर हम यही चीज कवर करेंगे। इसके बाद में भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति वे शपथ, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 124 के तहत की जाती है। ये मैंने पहले भी आपको बताया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, इनकी नियुक्ति और इनको शपथ दिलाने का जो कार्य है ये भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। उसके बाद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है और उच्च न्यायालय,
के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ये मैंने बता दिया था, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 124 के तहत की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। फिर इसके बाद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है जो 124 के तहत। उसके बाद में उच्च न्यायालय हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, और इसके अलावा अन्य जो न्यायाधीश है इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, और ये अनुच्छेद 217 के तहत की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? अनुच्छेद 217। यहाँ पर मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए लिख दे रहा हूँ, ये अनुच्छेद हो गया आपका 124, और यहाँ पर हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति है ये अनुच्छेद 217 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके बाद में ये सुप्रीम कोर्ट के अधिकारियों वे कर्मचारियों की नियुक्ति सेवा शर्तों के लिए नियम बनाना, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी हैं, इन न्यायाधीशों के अलावा इन अधिकारियों और कर्मचारी जितने भी हैं इनकी नियुक्ति वे सेवा शर्तों के संबंध में नियम बनाने का कार्य भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेना, यानी कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी काम के अंदर सलाह ले सकते हैं, उनके द्वारा सलाह मांगी जा सकती है। अब ये सलाह दें या नहीं दें इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय बाध्य नहीं है, और इनके द्वारा जो दी जाती है सलाह, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो सलाह राष्ट्रपति को दी जाती है तो राष्ट्रपति उनकी सलाह माने या नहीं माने इसके लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से सलाह लेना अनुच्छेद 143। आपको एग्जाम के अंदर ये जो भी मैंने बोर्ड पे करवाया है ये सारे के सारे पॉइंट है, इम्पोर्टेंट है, आप लोगों के ध्यान देने योग्य है, यहाँ से क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम के अंदर बनते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने का जो प्रावधान है, ये जो शक्ति है, ये जो पावर है, ये राष्ट्रपति को कौन से अनुच्छेद के तहत मिलती है? तो अनुच्छेद 143। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 143 के तहत। तो ये थे आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आज की हमारी क्लास के अंदर हमने कवर किए, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां और राष्ट्रपति के न्यायिक शक्तियां। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां कुछ बची हुई है जो हम कल की क्लास के अंदर कंप्लीट करेंगे। इसके बाद में राष्ट्रपति की बची हुई शक्तियां और जो भी चैप्टर है, राष्ट्रपति का चैप्टर ये सबसे बड़ा है, इसके बाद में सारे चैप्टर एक एक क्लास के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप मुझे एक बार बताएं कि ये जो क्लास का टाइमिंग हमारा चल रहा है ये बिल्कुल सही है, या इससे और भी क्लास का टाइमिंग हम थोड़ा सा बढ़ाएं ताकि हम ज्यादा कवर कर सकें। तो आप लोग मुझे जरूर बताएं कि ये क्लास 10-15 मिनट की रखें या आधे घंटे की करें, तो ये आप फीडबैक मुझे जरूर देना। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, यहां से एक भी क्वेश्चन अगर आए तो आप गलत करके नहीं आएंगे। जय हिंद, जय भारत।